एक बार अरे ये कॉल वहां से आया था पता, वो अपनी वो किताब एक छपवा रहे हैं उसमें, तो एक किताब छपवा रहे हैं उसका, करंट मैगजीन वाला, ठीक है, तो उसके लिए आया था। नींद का अधिकार तो आपको पता ही है, बाबा रामदेव सो रहे थे, रात में छापा पड़ गया, इन्होंने भाई कोर्ट में केस कर दिया कि हमें भी नींद का अधिकार होना चाहिए, 2 बजे इनको मतलब उठा लिया गया था, रात में 2 बजे उठा लिया, मतलब आपको सोने का अधिकार है। हाँ ठीक है, फिर आपका देखो आपका है एकांतवास, ठीक है, एकांतवास कर सकते हो, ठीक है, एकांतवास कर सकते हो, और क्या है भाई उसके बाद में आपका लागू होता है कि आपका एकांतवास, हाँ इसी में आता है, आर्टिकल 21 में ही आता है, इसमें बोला गया है कि क्या कोई भी फीमेल आपका मतलब बच्चा करना चाहे या नहीं, ठीक है, बच्चा करना चाहे या नहीं, ये भी आपका अधिकार दिया गया, ठीक है, या ये इसी में आपका आर्टिकल 21 में ही बताया गया, ठीक है, आपका इसी में आता है निजता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है, निजता का मतलब आप अपनी गोपनीयता छुपा सकते हो, ठीक है, आप हाँ प्राइवेसी, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बंद कमरे में कुछ भी करो, ठीक है, कोई मैटर नहीं, तो ये आपका है राइट टू प्राइवेसी। इसी में आता है पुट्टा स्वामी केस, जैसे नहीं आपका अभी जैसे ये केस हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी संबंधित था केजरीवाल जी का, ठीक है, आपने उनके मतलब फोन का जब्त कर लिया गया था, और ईडी सीबीआई ने जब्त किया था, और उनका एप्पल का फोन था, पासवर्ड वो बता नहीं रहे थे, ठीक है, अब वो चले गए कौन, ये जो ईडी सीबीआई थे वो गए उसके एप्पल कंपनी के पास में, गए बोले कि सर इनका पासवर्ड बता दीजिए, तो उसने भैया रिप्लाई दिया कि हम किसी की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे, बताओ, ठीक है, उसने नहीं बताया पासवर्ड ये अभी, तो पुट्टा स्वामी केस है आपका, ये किससे संबंधित है, यहाँ पर लिखना आपका आधार कार्ड से संबंधित है, ठीक है, आधार मेरी पहचान, ठीक है, और इस टाइम पे वो बहुत चल रहा होगा रील वगैरह देखे हो ना, कि घर भी पूरा कोशिश कर रही है, ठीक है, देखा है कि नहीं, नहीं देखा है, कहाँ देखते हो यार, ठीक है, हाँ आधार कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड आपका कब चलता है, 28 अगस्त 2014 को चलता है, ठीक है, 2014 को स्टार्टिंग होती, ये यही तो है 28 अगस्त 2014 है ना, ये तो जनधन वाला है ना, नहीं कब, हाँ ठीक है, ये आपका जनधन वाला है, ठीक है, ये लिख लो जनधन वाला, जनधन खाता का, ठीक है, जनधन खाता का। तो ये पुट्टा स्वामी केस आपका आधार कार्ड से संबंधित है, ये केस तब आया था जब कहा जाता है कि जब उसने जब सरकार ने कहा था कि हम आपको सब में कंपलसरी करते हैं आधार कार्ड को, किसमें कि आप कोई भी डिग्री करना चाहते हो उसमें भी कंपलसरी, उसके बाद में क्या हुआ कि ये उसको मतलब सरकार ने माना कि चलो कोई जरूरत नहीं है आधार कार्ड की, आप दूसरा भी आईडी लगा सकते हो, तब से फिर इसको हटा दिया गया, ठीक है, अब आता है कि उसमें ऑप्शन देता है ना कि आधार कार्ड लगाओगे या पैन कार्ड लगाओगे या कुछ भी, ठीक है, अगर ये आधार कार्ड बताना भाई कब आता है, ठीक है, 2015 में, ठीक है, तो पुट्टा स्वामी केस आपका हो गया इससे, ठीक है, एक चीज और लिखना इसमें क्या आता है, एकांतवास बता दिया गया, एक आता है कि इसी में आपका आर्टिकल 21 में ही आता है व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी, और ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में एडल्ट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे एडल्ट्री बोला जाता है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपको शायद पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा, ये सबको पता है ना, ठीक है, हाँ व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी लिखा है, ठीक है, व्यभिचारी एक शब्द लिखा है, फिर उसके बाद में आपका इसी में आता है, और इसमें आपका आता है कि विदेश जाने का भी अधिकार दिया गया, इसी में लिख लो आपका विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, जाने का अधिकार, ये कब संबंधित था, कब से, तो ये लिखो इसमें मेनका गांधी का केस, कहा जाता है कि इनका जो पासपोर्ट है जब्त कर लिया गया था, जब जब्त कर लिया तो ये कोर्ट में केस करने चली गई, बोले कि हमें मतलब, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका डिसीजन दिया कि अगर कोई व्यक्ति मतलब बाहर जाना चाह रहा है तो भाई अपने कुछ विकास करने के लिए जा रहा होगा या कुछ भी है, ठीक है, तो उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा या कुछ भी आप मतलब कुछ भी देखने के लिए जा रहा है या कुछ भी, तो इस वजह से उसको भाई ये विदेश जाने का भी अधिकार दिया गया, ठीक है, क्योंकि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। चलो एक और दूसरा है कि आपका जो हेल्थ का भी सरकार ध्यान रखेगी, ठीक है, हेल्थ का ध्यान क्या रखेगी, हेल्थ का आपका ध्यान रखेगी सरकार, ठीक है, इसमें आर्टिकल 21 में ही है, ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी बीमारी आ गई, जैसे
कोरोना आ गया है, ठीक है, कोरोना आ गया तो सरकार का दायित्व है कि उसके लिए कोई ना कोई चीज़ वैक्सीन बनवाएगी जल्द से जल्द, ठीक है, और यहाँ पे लगवाएगी। बाकी चीज़ें फिलहाल उस पर फोटो हटा दिया गया, वो बात अलग है, ठीक है, फोटो हटा दिया गया किसके, मोदी जी बोल रहे वैक्सीन वाले पोर्टल से हटा दिया गया, हाँ ठीक है, तो वो हटा दिया गया, वो बात अलग, हाँ साइड इफेक्ट है जो 42 एक दिन पड़ा था, 42 छः से 42 दिन के अंदर जिनको मतलब इफेक्ट हुआ है, तो ऐसा कुछ अगर है, हाँ अगर कुछ है आपको साइड इफेक्ट तो सरकार दे तो रही है, वो कौन सी कंपनी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका दो मिलके बना रही थी, ब्रिटेन की कंपनियाँ थी, तो कह रही है कि अगर कुछ ऐसा है तो आपको 1 करोड़ तक मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है, हाँ चाहो चले जाओ, ठीक है, मिल जाएगा आपको, हाँ तो अरे वो चीज़ नहीं है, ठीक है, वो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो बॉडी रिएक्ट करेगी जरूर, जब आपके अंदर मतलब कोई भी समझो वायरस कहीं किसी में जिंदा वायरस डाला गया, किसी में मृत वायरस डाला गया, काहे का कोरोना का डाला गया, ठीक है, जिनमें जिंदा डाला गया उनको ज़्यादा बुखार आ गया था, जिनमें मृत था उनको बुखार वगैरह नहीं आया था, जैसे आपकी कौन सी थी, हाँ कोवैक्सीन थी, उसको जो लगवाते थे बुखार वगैरह नहीं आता था, वो कोविशील्ड थी उसमें बुखार आ जाता था, ठीक है, वो एक्टिव वैक्सीन थी और एक थी आपकी इनएक्टिव वैक्सीन थी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, हाँ व्यभिचारी का मतलब क्या है, ठीक है, व्यभिचारी चलो अभी बाद में बताते हैं, ठीक है, व्यभिचारी तुम लोग मतलब अभी बवाल बनाओगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, वो अभी या फिर गूगल अपना कर लेना, ठीक है, अरे गूगल क्या बता रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या व्यभिचारी का मतलब क्या है कि कोई भी मतलब कोई भी शादीशुदा इंसान है, ठीक है, शादीशुदा इंसान है, और दूसरा इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसकी पत्नी के साथ में कोई दूसरा बंदा मतलब शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है, ठीक है, बिना उसके परमिशन के, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है आर्टिकल 21 वगैरह, चलो इसमें कुछ और लिखना आर्टिकल आपका, हाँ ठीक है, खत्म करता है, ठीक है, आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 21 से क्या है, यहाँ पर लिखो आर्टिकल 21 से आपका, ये आपका देखो 21 ए है, ठीक है, ये बाद में इसका मतलब जोड़ा गया होगा, तो लिखो 46वां संविधान संशोधन 2000 आपका 2, ठीक है, 2002 से संबंधित है, ये किससे है, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, अधिकार का दर्जा दिया गया, एक बार यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये 46वां संविधान संशोधन हुआ तो डीपीएसपी के किस आर्टिकल में, डीपीएसपी के किस आर्टिकल की रूपरेखा में परिवर्तन किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये आपका संविधान संशोधन है, 46वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित है, ये आपको शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 21 ए में बताया गया। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसी संविधान संशोधन से डीपीएसपी का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जिसकी रूपरेखा में परिवर्तन किया गया था, ठीक है, रूपरेखा में परिवर्तन किया गया था, ठीक है, रूपरेखा में परिवर्तन किया गया था, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल आपका 45 था, ठीक है, कौन सा आर्टिकल 45 हो जाता है, इसमें 0 से 6 की बात करता है, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की बच्चे जो होंगे उनके लिए जो सरकार होगी वो स्वास्थ्य के लिए, हाँ शिक्षा फ्री, ठीक है, वो 6 से 14 साल के लिए इसमें, हाँ अरे वही जो नहीं वाता है दरिया वगैरह या कुछ भी, ठीक है, तो ये सब, हाँ बस बस समझ गए, ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, और अपने इंडिया में साक्षर किसे माना जाएगा बताओ, अपने इंडिया में साक्षर किसे कहा जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब एज उसका क्या है, कब कितनी एज से उसको ऊपर का साक्षर माना जाएगा, मतलब कुछ एज रखा गया ना, 7 साल है, ठीक है, 7 साल है, ठीक है, बताओ अपने यहाँ शिक्षा बताओ क्या बना के रखा है, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब जो भी है जो बड़े बड़े नेता या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सब बोल दें कि उनके जितने ही बच्चे हैं सब पढ़ेंगे इसमें गवर्नमेंट वाले में, आसानी से पढ़ेंगे भाई, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन क्या चल रहा है बताओ, फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, एक आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान सुना है क्या,
ठीक है, ठीक है, ये भी चल चुका है। और शायद अब कहा जाता है कि सब सारे लोग अब साक्षर हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बचा नहीं, सारे लोग अब इंडिया में साक्षर हो चुके हैं। तो ये भी आपने लिख लिया होगा, आर्टिकल 45 के रूपरेखा में परिवर्तन किया गया, आर्टिकल 21 हो गया और आर्टिकल 21 ए में आपका जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। फिर बताएगा शिक्षा को आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो कब से लागू किया गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन कब से लागू किया गया, 2005, शाबाश, ठीक है, क्या बात है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक आपने सुना होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है 5, ठीक है, 5, कैसे भूल जाते हो, ठीक है, भूल कैसे जाते हो, 5 साल का जो कोई बंदा हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने का काम करता है, ठीक है, कैसा इन्फॉर्मेशन, समझे रहे हो आप, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपका तो ये आपका 10 में, जब 10 साल का बच्चा होगा तो एजुकेशन में, हाँ, तो एजुकेशन में 1 अप्रैल 1900 बता रहे, 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 2010, ये आप बस याद करने का हमने तरीका बताया, आपने ट्रिक निकाल लिया होगा, ठीक है, वो तो है भाई, बिल्कुल, आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, हाँ, पहले फ्रेंड वगैरह जुड़ेंगे बाद में सब होगा काम, ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। एक चीज इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, एक है एनएन वेंकट चलैया आयोग था, उसके सिफारिश पर ये किया गया था, और क्या नाम है, एमएन वेंकट चलैया आयोग, ठीक है, एमएन वेंकट चलैया, ठीक है, एमएन वेंकट चलैया आयोग, इसके सिफारिश पर, ठीक है, इसके सिफारिश पर एमएन वेंकट चलैया आयोग। टाइम हो गया क्या, हो गया क्या टाइम, 11 बज गया, 11:05 हुआ, अच्छा ठीक है, अब आर्टिकल 21, 22 वाला हेडिंग डाल लो और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आर्टिकल 20 नहीं, उस पर नहीं, तुरंत का तुरंत काम होता है, ठीक है, आर्टिकल आपका 22 हेडिंग डाल लो, आर्टिकल 22, लिखो, पहला सवाल है आपका, कुछ पढ़ के आया करो जरूर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मतलब टेस्ट वगैरह होता है तो उसके बाद में कुछ अपनी पढ़ाई को रफ्तार देते हो या फिर वैसे चल रही है? नहीं सर, टेस्ट जैसे हुआ सैटरडे को तो उसके आप कहाँ थे, आए नहीं थे उस दिन टेस्ट वाले दिन, बाहर गए थे, कुछ काम था, आप कहाँ थे? अरे तो आया करो यार, टेस्ट में जरूर आओ, ठीक है, 2 नंबर आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, 12, 15, 20, 25 जो भी आएंगे, अब जो कोई अगर बहुत ही जरूरी काम है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ बहुत जरूरी काम है तो मत रह आइए, ठीक है। और कौन था, नहीं था, राम रतन थे ना उस दिन, हाँ राम रतन थे, बाकी लोग तो थे सर। लिखो पहला सवाल, पहला सवाल आपसे ये है कि लिखो कि मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, हनन, ठीक है, हनन होने पर, और हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट जारी कर सकता है। अगला लिखना आप नार्को टेस्ट, ठीक है, नार्को टेस्ट कामा लाई डिटेक्शन, लाई डिटेक्टर, ठीक है, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्शन टेस्ट, लाई डिटेक्ट, क्या बोलते हैं यार इसको, लाई डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, लाई डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इनसे आप क्या समझते हैं, ठीक है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ठीक है, लाई डिटेक्शन टेस्ट मतलब होता है उसमें कि जो नहीं झूठ वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है, और एक लास्ट वाला है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। और लिखो आपका ये लिखना है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट
अगला लिखो, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है? हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया? क्या संविधान में मरने का अधिकार दिया गया? ठीक है, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मारने का है? नहीं, मारने का भी नहीं है। ठीक है, हिंदू का, हिंदू में बौद्ध, ठीक है, एक छोटा है। ठीक है, ये तीनों धर्म आते हैं, एक छोटा धर्म है। ठीक है, एक छोड़ दिया गया उसको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है सवाल आपका, स्लो चल रहा है वो, उससे है सोलर से। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करेंगे, बारिश करवाते हैं। ठीक है, एक दो दिन रुकना, बारिश होगी। ठीक है, अगला लिखना, आर्टिकल 15 का 3, 15 का 4 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 15 के 3 या 4 में क्या? ऐसे गर्मी तो यार हमको खुद लग रही, बताओ पसीने भीग गए। ठीक है, तो क्या जाता है नहीं? जब पसीने भीगे रहोगे, गर्मी लगेगी तो नींद नहीं आएगी ना। अगला लिखो, कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए? कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए? कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए? कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए? कौन से मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए? संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने की? संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने की? संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने की? अगला लिखो कि कुर्ग कहाँ है? ठीक है, कुर्ग किस स्टेट में पड़ता है? कुर्ग का बनाओ छोटा की मात्रा और गा बनाओ ऊपर, हाँ उपरंतु रा लगा दो। ठीक है, कुर्ग कहाँ है? ठीक है, कुर्ग कहाँ है? अगला लिख लो कि तो आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन याद करके आने। ठीक है, क्वालिटी के 50, ठीक है, हाँ 50। हाँ सही है, 50 क्वेश्चन क्या है? जो 50 क्वेश्चन है आपको, वो आपको अपने पेज पे या कॉपी पे लिख के लाने कि हमने ये याद किए हैं। ठीक है, ताकि आप गुमराह ना कर पाओ। ठीक है।